चुनाव समीप आते ही सोलन में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो चुका है। सोलन भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि भाजपा ने जो वायदे विधानसभा चुनावों में सोलन की जनता को किए थे वे पूरे किए जा रहे हैं। अस्पताल की स्थिति को सुधारा जा रहा है, रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। यही वजह है कि सोलन की जनता उनके साथ है और आने वाले लोकसभा चुनावों में वे भाजपा का भरपूर समर्थन कर भाजपा को एक बार फिर से मजबूत करेगी। राजेश कश्यप ने कहा कि सोलन वासियों के लिए खुशी की बात है कि सोलन अस्पताल में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाकर 21 कर दी गई है और जिस पतंजलि योगपीठ को कांग्रेस ने लीज डीड रद्द करवाकर सैकड़ों बेरोजगारों की रोजगार पाने की आशाओं पर पानी फेर दिया था, लेकिन भाजपा ने पतंजलि योगपीठ खुलवाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जो मैनिफेस्टो भाजपा ने विधानसभा के चुनाव में जारी किया था वे उस पर खरे उतरे हैं। पिछले 4-5 दिन सोलन की जनता के लिए, सोलन के किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, जिसमें 2-3 निर्णय आए हैं। एक तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसमें 5 डॉक्टर्स जो है प्रदेश सरकार ने जो पोस्ट क्रिएट करने का निर्णय लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा साधुपुर में जो पतंजलि पीठ ने जो उनको अलॉट की गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली सरकार द्वारा, उसको पुनः जो है पतंजलि पीठ ने जो है दोबारा जो है 99 ईयर्स की लीज पे जो है लिया है। इसके आने से जो है यहाँ के किसान और यहाँ के जो हमारे युवा वर्ग है उनके लिए जो है खुशी की बात इसलिए है क्योंकि किसान की जो ये लोग ट्रेनिंग भी करेंगे और साथ साथ में जो जड़ी बूटियाँ हैं उसको खरीद करके यहाँ पे फ्रूट और फूड दोनों फ्रूट और फूड प्रोसेसिंग के प्लांट जो है लगाए जाएंगे, जिससे यहाँ के युवाओं के लिए जो है काफ़ी सारी जो नौकरियों के जो आयाम खुलेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने इस योग आश्रम का और इस योग पीठ का बड़ी बेरहमी से जो है इसका अपोज किया, यहाँ पे उसकी जो है रजिस्ट्री तक नहीं होने दी और जो चीज़ आज 5 साल पहले हो जानी चाहिए थी एम्प्लॉयमेंट के जो आयाम खुलने थे उससे जो है सोलन वंचित रहा। भारतीय जनता पार्टी पतंजलि पीठ का यहाँ साधुपुर में जो है सभी का हम यहाँ स्वागत करते हैं।